हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ क्लास वन कंप्यूटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू लेसन एंड द नेम ऑफ लेसन इज टक्स पेंट. वी हैव ऑलरेडी लर्नड विथ अदर लेसन लाइक वर्किंग विद द कंप्यूटर वी हैव लर्नड. सो इन दिस लेसन वी विल बी लर्निंग अबाउट टक्स पेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग एज वी ऑलवेज डू लेट्स स्टार्ट विथ एन एक्टिविटी. So on your screen you can see one picture is given. So what we need to draw and color this picture. हमें अगर इसी picture को वापस से बनाना है और same color करना है तो हमें क्या क्या चीजें लगेगी. चलो guess करते. First I will need sketch pens, then some crayons, then eraser, pencil. So many more things will be there. So these are the things that we need to draw on paper. Like we need a pencil, we need crayons, we need eraser, we need pencil. So like these many things we will required. हमें बहुत सारी चीजें क्या होंगी, जरूरी होंगी. तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि same thing, the thing that we are going to draw on paper, can we draw on a computer or on our phone? Yes, you can definitely do this. And to do that, we are going to use one program, and the name of that program is Tux Paint. What is the name of that program? Tux Paint. Jo bhi hum drawing karenge पेपर पे वगैरह जो भी ड्राइंग करते हैं ना, उसमें हम कलर देने के लिए टाइम लगता है, वो हो जाता है. सो सिंपली विद इन फ्यू सेकंड यू कैन ड्रॉ, यू कैन कलर, यू कैन रीड, यू कैन इरेज, यू कैन इवन टेक प्रिंट आउट ऑफ इट, इवन यू कैन शेयर दैट ड्रॉइंग्स विद अदर्स एंड दैट टू ऑन यूर लैपटॉप, ऑन यूर डेस्कटॉप एंड ऑन यूर मोबाइल फोन ऑल्सो. So how to do that? That we are going to learn in this lesson. So how to download Tux Paint? Okay, if you are using a computer or a laptop, open your browser and just type www.tuxpaint.org. Tux Paint is free software, beta. उसको हमें कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं. No need to pay something. It's a free software. Anyone can download and anyone can enjoy it. Okay, just one requires your laptop or desktop or your phone. So simply download from that website in your phone or in your laptop by simply going to Play Store or the App Store where it is present, and it's a free of cost, so no need to pay. Okay, so before starting, before downloading it in your computer, in computer you can download directly by going to web browser and all that. But you all are studying in class 1 and many of you don't have a laptop at home, or if you have a laptop, it may be with your parents, your mother or your father. आपका laptop कोई तो बड़ा घर में use करता होगा, तो आपको एक आपके Android phone में उसको किस तरह से install करना है वो बता रहा हूं मैं अभी. सो सिंपली आपको क्या करना है, आपके फोन के ऊपर गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम में वहां पे आपको क्या टाइप करना है, टक्स पेंट टाइप कर देना है. और जैसे आप टक्स पेंट टाइप करोगे, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे उनकी वेबसाइट वगैरह आ जाएगी. वहां से सिंपली आपको जाके ने वहां पे टाइप करना है. यू कैन चेक द वीडियो लिंक, ओके, जो मैंने आपको मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर से मेरे फोन में की आपको बना के दी है. जस्ट वहां से यू कैन इंस्टॉल इन यूर फोन एंड यू कैन एंजॉय द सेम एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप ऑन यूर एंड्रॉयड फोन, बिकॉज दिस एप्लीकेशन सपोर्ट्स बोथ. ये लैपटॉप में भी चलता है और ये फोन में भी चलता है. और जैसे हम आप देख रहे हो यहां पे, अब क्या हो रहा है, वो इंस्टॉल हो रहा है. इंस्टॉल होने के बाद मैं आई क्लिक ऑन ओपन, और जैसे ही ओपन करेंगे वो एक परमिशन पूछेगा, वी विल क्लिक ऑन अलाउ एंड देन यू विल सी द सेम टक्स पेंट विंडो इज प्रेजेंट इन यूर मोबाइल फोन ऑल्सो. Okay, now how to open Tux Paint, that we have learnt in mobile phone. Mobile phone is different altogether, it's a different game, it's a different platform. But हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है मेन तो कंप्यूटर का है, वो तो मैंने आपको अल्टरनेटिव बता दिया. अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है
तो ऑल्सो यू कैन यूज इट ऑन यूर फोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी विल डू, वी विल बी क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन. बट बिफोर दैट रिमेंबर, हमने अभी उसको इंस्टॉल कर दिया है, हमने कंप्यूटर में तो इंस्टॉल करवा के ही दिया है, अब हम क्या करेंगे उसको मोबाइल में भी इंस्टॉल किया है. अब हाउ टू ओपन दैट, सो टू ओपन दैट वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड वी विल टाइप इन दैट सर्च बॉक्स, वी विल टाइप टक्स पेंट. एंड व्हेन वी विल टाइप टक्स पेंट, इट विल हाईलाइट द प्रोग्राम, जस्ट एंटर एंड इट विल ऑटोमेटिकली ओपन दैट विंडो. दिस ऑप्शन इज ऑन विंडोज 7. या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका जो आइकॉन आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर प्रेजेंट है, उसको भी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. तो सिंपली हियर वी गो, हियर यू विल सी, वी विल जस्ट रिफ्रेश आवर कंप्यूटर एंड हियर वी कैन सी टक्स पेंट आइकॉन इज देयर. कैन यू सी टू टक्स पेंट आइकॉन इज देयर, वन इज अ टक्स पेंट नॉर्मल एंड वन इज अ टक्स पेंट फुल स्क्रीन. आप यहां पे देख सकते हैं पांडा की तरह एक एप्लीकेशन है, उसको हम डबल क्लिक करेंगे एंड व्हेन वी डबल क्लिक इट, इट विल ओपन. व्हेन वी डबल क्लिक इट विल ओपन, इट विल टेक अ लिटिल बिट वन और टू सेकंड्स ऑफ अ टाइम बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू लोड दैट. एंड वंस हियर यू गो, दिस इज द विंडो ऑफ यूर टक्स पेंट. व्हेन यू ओपन टक्स पेंट, दिस विंडो इज गोना टेक देयर, दिस इज द नेम ऑफ कॉर्पोरेशन, न्यू ब्रीड सॉफ्टवेयर कंपनी एंड टक्स पेंट फॉर किड्स. ओके, सो हियर यू गो नाउ, 3, 2, 1, दिस इज द टक्स पेंट दैट वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ सी हियर, योर टक्स पेंट विंडो इज डिवाइडेड इन टू 4 सेक्शंस. दिस फर्स्ट सेक्शन इज अ टूल्स सेक्शन. विच सेक्शन? टूल्स सेक्शन. स्पेलिंग ऑफ टूल्स, TOOLS, tools. This is the tool section. In that, different tools are there. Paint tool, stamp tool, lines tool, shape tool, text tool, label tool, fill tool, magic tool, eraser tool, new tool, open tool, print tool, wipe tool. Below that, we have colors tool. And from that, You can select number of colors. सभी कलर तो वहां पे अवेलेबल है, जो भी आपको ड्रॉइंग करने के लिए कलर चाहिए होगा, दैट कलर यू कैन सिंपली सिलेक्ट फ्रॉम देयर एंड यू कैन ड्रॉ. एंड अब राइट कॉर्नर में जाएंगे तो यू कैन सी ब्रशेस, ऑप्शन आर देयर, ब्रशेस आर देयर, डिफरेंट ब्रशेस आर देयर. जैसे कि ये ब्रश की साइज है, जैसे छोटा ब्रश होता है हमारे पास में, बड़ा ब्रश होता है, उससे भी बड़ा ब्रश होता है ना. सो लाइक वाइज दिस इज द ब्रश ऑप्शन. एंड दिस ड्रॉइंग एरिया, दिस व्हाइट एरिया इज देयर ना, जो रेक्टेंगुलर व्हाइट एरिया इज देयर, दिस दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग एरिया वेयर वी विल बी वर्किंग. अंडरस्टूड? विल कम बैक टू आवर मेन टॉपिक नाउ. सो दिस इज द टक्स पेंट विंडो विच इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी सेक्शंस, 4 सेक्शन. हाउ मेनी सेक्शन? 4 सेक्शन. एंड विच आर दोज? दिस इज टूल सेक्शन, कलर सेक्शन, ब्रशेस सेक्शन एंड दिस इज ड्रॉइंग एरिया. ड्रॉइंग एरिया मीन्स अपना जो पेज होता है जिसपे हम ड्रॉइंग करते हैं. लाइकवाइज ये भी क्या है, एक ड्रॉइंग एरिया है जहां पे हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं. समझे? सो हम जो भी 4 ऑप्शंस थे, हम उन्हें क्या करेंगे, डिटेल्स में वन बाय वन हम उसको पढ़ लेंगे. सो व्हाट इज द टूल्स? ओके, ये टूल्स क्या होते हैं? ये टूल्स मीन्स क्या होते हैं? टूल्स मीन्स द ऑब्जेक्ट्स और स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टूल्स जो भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि हमें क्या है, पेंट टूल है, उसमें का पहला टूल कौन सा है, पेंट टूल. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टूल? सो ये पेंट टूल क्या करता है हमें, इट अलाउज यू टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग, जस्ट लाइक यू आर ड्रॉइंग विथ योर पेंसिल, योर पेन, योर ब्रश. आप जिस भी तरह से ड्राइंग करोगे उस तरह से ड्राइंग आप यहां पे कर सकते हो. आपने आपने आर्ट टीचर आपको सिखाते हैं, देखो पेंसिल से कैसे ड्रॉ करना, ये करो वो करो. सिंपली इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन पेन टूल. वहां से ब्रश, बहुत सारे डिफरेंट ब्रश है, राइट स्क्रीन से, राइट साइड से आपको ब्रशेस लेना है, बॉटम साइड से आपको कलर सेलेक्ट करना है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइंग एंड doing your own work. And this is the logo, this is the symbol of that paint tool. Now how to use that paint tool? So
फर्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी क्लिकिंग ऑन दैट पेन टूल. हम पेन टूल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. एंड इफ यू आर इन फोन, आप फोन में उसको क्या करेंगे, टच करेंगे. एंड क्या हो जाएगा, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ब्रशेस के ऑप्शन आ जाएंगे. राइट साइड में ब्रश सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और वहां पे टॉप और बॉटम वाला जो भी बटन है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं एरो से, वो करके आप डिफरेंट कलर का वहां पे ब्रश सिलेक्ट करते हैं. और वो ब्रश सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली बाय ड्राइंग ऑन योर ड्राइंग एरिया यू कैन ड्रॉ दैट. और हाउ टू ड्रॉ, बाय होल्डिंग लेफ्ट माउस बटन. वी नो माउस हैज थ्री बटन्स, लेफ्ट राइट एंड सेंटर स्क्रॉल बटन. सो लेफ्ट वाला बटन हम पकड़ लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए इसे 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 हम ड्रॉइंग बना देंगे. सो दिस इज, दीज आर द ब्रशेस दैट आर देयर. सो दिस इज द एग्जांपल हाउ वी आर गोइंग टू डू. फर्स्ट वी विल क्लिकिंग ऑन पेन टूल, एंड फ्रॉम सेकेंड हियर वी विल बी टेकिंग अ ब्रश, डिफरेंट डिफरेंट ब्रश, एंड बाद में हम उसका एक सेपरेट कलर लेंगे. एंड फिर फोर्थ क्या करेंगे, हम वहां से ड्रॉइंग शुरू करेंगे. लेट्स गो टू टक्स पेंट विंडो एंड विल सी देयर. Yes, so here we will click on paint window. Paint option we have selected. Now यहाँ पे देखो ब्रशेस कितने सारे, तो छोटा सा ब्रश लेते हैं, यहाँ से कुछ तो ड्राइंग करते हैं, एक ड्राइंग हो गया. अब हम क्या करेंगे, दूसरा ब्रश लेंगे, हम कलर चेंज करेंगे. And how I am doing that? By simply clicking on left button of our mouse and dragging it. अब ये बड़ा वाला ब्रश ले लेंगे, कलर हम चेंज कर लेंगे, अगेन नया हो गया. अभी उससे बड़ा वाला ले लेंगे और एक नया कलर चेंज करेंगे, और एक हम क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड आपको जैसा चाहिए, जिंग 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 जैसा चाहिए उस तरह से हम ड्राइंग यहाँ पे कर सकते हैं. यू कैन सी हियर, ये नीचे एरो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से सिलेक्ट करके हम और बहुत सारे ऑप्शंस भी ले सकते हैं. जैसे कि देखो ये क्या है, ये हरा घास भी बन रहा है, ये पीला घास बन रहा है, लूज. यहाँ से क्या हो गया, ये सिंपली ट्रायंगुलर वाली लाइन बना सकते हैं हम, यहाँ से ट्रायंगुलर वाली लाइन बना सकते हैं, यहाँ से डाउनवर्ड ट्रायंगल वाली लाइन बना सकते हैं, हम जो भी चाहे यहाँ से बना सकते हैं. यहाँ पे आपको स्टार चाहिए तो हम स्टार भी बना सकते हैं, इसी ये स्टार वाली पूरी लाइन भी बना सकते हैं. ट्रिन 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 ट्रिन, अब लाल कलर ले लेंगे, यहाँ से स्क्वायर ले लेंगे. तो यू कैन सी, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ स्क्वायर वाली लाइन ऑल्सो. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते. ये दूसरा वाला स्टार ले लेंगे, उसको भी हम किधर तो पटक देंगे, सी टिल्डिन 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 टिल्डिन. यू कैन ड्रॉ एनीथिंग. ये स्पाइरल वाला भी ले लेंगे, देखो ये अपनी दिवाली में बनाते हैं ना वो गोल गोल खाने वाली, वो भी बन गई हमारी इजिली. या फिर लाइन भी ले सकते हैं, आपको कुछ लाइन ड्रॉ करनी है तो ओके. या फिर आपको यहाँ से पेंटागॉन, मतलब उसमें पांच शेप है, पांच कोन है, वो भी ले सकते हैं यहाँ से. या फिर एक दूसरा वाला डिजाइन वाला भी ले सकते हैं आपने एक स्ट्रोक के लिए, या दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, सिंपल सिंपल घास वाला. या इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल erase this, and for that we will be using eraser tool. Just click on eraser tool and select, and automatically it will erase your structure. But you know, when we are working on a tux paint also gives you number of sounds also. So for that I will be increasing the volume. And now ab hum kya karenge, yahan se ye billi le lenge. No. C music. हाँ, देखो भागते हुए बिल्ली की लाइन बन गई. अब यहां से पैरों वाला ले लेंगे निशान, सी कलर चेंज करते पैरों का. हाँ, अंडरस्टूड. ये इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर बिल्ली के पैर ले सकते हैं. देखो यहाँ से हम ऐसे इसको पहले वापस से वी विल रेज एवरीथिंग. नाइस साउंड नो. हाँ, तो हम वापस से पेंट में जाएंगे, यहाँ से बिल्ली के, देखो बिल्ली के स्टैम्प्स हो गए, फिर यहाँ पे इंसान वाले हो गए पैरों के स्टैम्प. यहाँ से अब हम दो पैरों वाले स्टैम्प ले लेंगे, दिन. यहाँ से फ्लावर वाला लाइन ले लेंगे, दूसरा कलर ले लेंगे, यहाँ से छोटा वाला स्टार,
ये बड़ा वाला स्टार, और इसको ऊपर नीचे करके हम क्या कर सकते हैं, और दूसरे भी यहां से ले सकते हैं। और सिंपली जस्ट हमें क्या करना है, वहां पे टच करना है या क्लिक करना है या फिर उसको खींचना है, एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो उस तरह से लाइन बन जाएगी। देखो यहां से एरो बन रहा है। So we will erase it now, we will clear it. So you understood how we are going to use that paint tool. First we will be clicking on a paint tool, then we will be selecting any brush available from there. Okay, we will select this heart we had not selected, no? So red bara heart we will select and see. Ta-dan, ta-dan. So this is the which tool? Paint tool. How to use that also we have learned. Now we'll go back to our PPT. So here we have learned how to use that paint tool. Now we are going to use shapes tool. Now अब हम कभी कभी draw करते वक्त क्या होते हैं, बहुत सारे shapes हमें draw करने पड़ते हैं। We use rectangle, a square, a oval, a triangle, जो भी बाकी के shapes हमें होते हैं, वो shapes हमें draw करने पड़ते हैं। So Tux Paint gives us option जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, different जो चाहे वो shape उसमें हम add कर सकते हैं, वो भी different color के साथ। जो भी आपको कलर पसंद आए वो कलर आप आपके शेप में डाल सकते हो। और ये हो गया उसका शेप का सिंबल। हियर यू कैन सी द सिंबल ऑफ शेप्स टूल, एंड हियर यू कैन सी डिफरेंट सिंबल्स आर देयर। स्क्वायर यहां पे ये हॉलो स्क्वायर, मतलब उसके अंदर फिल कलर नहीं है, दूसरा वाला फिल कलर वाला। सो दिस लाइन इज विथ फिल कलर एंड दिस लाइन इज विदाउट फिल कलर, जिसमें हम कलर भर सकते हैं। एंड वो कलर हम कहां से लेंगे, डाउन साइड वाला जो पट्टा है वहां से हम क्या करेंगे, कलर्स ले लेंगे। तो हाउ टू यूज दैट शेप टूल, जैसे कि हमने पेंट टूल यूज कर दिया, उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड में हम शेप टूल पे सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट साइड में उसके बहुत सारे मेनी डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, वी विल सेलेक्ट वन फ्रॉम दैट, एंड फ्रॉम डाउन साइड वी विल सेलेक्ट द कलर फॉर दैट, एंड फ्रॉम देन बाय ड्रैगिंग ऑन आवर ड्रॉइंग एरिया we will be simply drawing our shapes too. Understood? So how we have done, see here. So first we will clicking on shape tool, second we will be selecting any shape, and then we will select color and draw it. Let's try it on Tux Paint window. So hum aage hai Tux Paint mein, and now we will be clicking on shapes tool. Okay, so jaise hum us pe क्लिक करेंगे, यू कैन सी आई विल इंक्रीज द वॉल्यूम, यू विल सी टिक टिक साउंड इज कमिंग। सो व्हेन वी क्लिक ऑन शेप्स टूल, यू कैन सी ऑन शेप्स टूल सेक्शन डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ऑक्टागन, स्टार। सो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट रेड कलर, देन एक सादा वाला स्क्वायर, एंड वी विल ड्रॉ। सी एक ड्राइंग बन गया। अब उसको रोटेट किस तरह से करना है वो भी पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। सो वन ड्राइंग इट हैज बिकम। अनदर वाला फिल वाला स्क्वायर ले लेंगे, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, एंड बिफोर रिलीजिंग, सी जब तक हम उसको कुछ टच नहीं करेंगे वो वैसा ही रहेगा, एंड वेन विल क्लिक ऑन, देन ये हो गया बिना कलर वाला, ये हो गया कलर वाला। हम सेम रेक्टेंगल का भी ले लेंगे, रेक्टेंगल को हम करेंगे पीला वाला। सी डिडिन टिडिन आ गया हमारा रेक्टेंगल, आ गया रेक्टेंगल। अब ले लेंगे रोम्बस, रोम्बस भाव इधर को बैठो, रोम्बस भाव इज सिटिंग ओवर देयर, ये हो गया बिना कलर वाला रोम्बस भाव, और अब आ गया कलर वाला रोम्बस भाव, कलर। नाउ वी विल टेक स्टार, स्टार तो सभी को पसंद होता है, स्टार हम बनाएंगे येलो वाला, तो ये हो गया हमारा स्टार, को थोड़ा बड़ा बनेंगे, ये है सिर्फ स्टार। और अब फील कलर वाला स्टार हम ले लेंगे, जो हम इसके अंदर ही डाल देंगे, एंड नाउ यू कैन सी हमारा ये हो गया स्टार। सो वी हैव सिलेक्टेड डिफरेंट शेप्स, एंड हाउ वी डिड दैट, सब फर्स्ट वी क्लिक ऑन अ शेप टूल,
देन वहां से क्या हो गया, शेप्स ऑप्शन में से हमने क्या किया, जो भी हमें चाहिए वो हमने वहां से ले लिया और सिर्फ उसको ड्रॉ कर दिया एंड जस्ट लीव इट, ऑटोमेटिकली इट विल बी ड्रॉन ऑन योर ड्रॉइंग एरिया। अंडरस्टूड? यस। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे बाय यूजिंग इरेजर टूल। हाँ, अब शेप्स टूल भी खत्म हो गया, लेट्स गो बैक टू आर पीपीटी। सो वी हैव ड्रॉन यूजिंग शेप्स टूल, नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट लाइन टूल। सो लाइन का मतलब क्या होता है, यू आर राइटिंग ऑन लाइन्स, यू आर ड्राइंग ऑन लाइन्स, सो लाइन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल स्टडिंग। सो दिस टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स, एंड व्हाट इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ दैट लाइन टूल, जहां पे बहुत सारी इधर उधर उधर वाली लाइने है। जैसे कि हमने पेन टूल में देखा था, सेम तरह के ऑप्शन है यहाँ पे, जहां से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ यूजिंग लाइन टूल। एंड हाउ टू यूज द लाइन टूल, सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन द लाइन टूल फर्स्ट एंड देन व्हाट विल कम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस विल अपीयर, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस विल अपीयर, रे बाबा, वेयर इट विल अपीयर, इट विल अपीयर टू द राइट साइड एंड देन यू कैन क्लिक एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एरोज टू सी मल्टीपल मल्टीपल ब्रशेस। मल्टीपल ब्रशेस हम देखने के लिए ऊपर या नीचे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे जो एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके हम ऊपर वाले नीचे वाले ऑप्शंस ले सकते हैं, और नीचे वाला कलर वाला जो ऑप्शन है जहां से हम अपने लाइन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट एनी कलर दैट यू वांट और यू विश टू, एंड बाय यूजिंग योर माउस हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपने लाइन टूल से यू कैन ड्रॉ ऑन योर ड्रॉइंग एरिया। अंडरस्टूड? सो हियर यू कैन सी हाउ वी हैव ड्रॉन फ्यू थिंग्स। अब हम क्या करेंगे, टक्स पेंट की विंडो में जाएंगे। नाउ किधर है लाइन टूल, सो हियर इज द लाइन टूल, यू कैन सी लाइन टूल, क्लिक ऑन दैट लाइन टूल एंड सी, जैसे पेंट में ऑप्शन आए थे वैसे ही सेम ऑप्शंस कहां पे हैं, There are in our line too. तो सबसे पहले हम बनाएंगे काली वाली बिल्ली की लाइन, यहां से यहां तक देखो आ गई काली वाली बिल्ली की लाइन। Then we will make red footsteps. यहां से यहां तक आ गई footsteps वाली लाइन। Then we will make flower वाली लाइन, flowers वाली लाइन, और you can simply select a line and you can draw, okay? जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ के ऊपर की लाइन लेके हम क्या करेंगे, यहाँ से समझो हमें अभी एक घर बनाना है, तो घर के लिए हम क्या करेंगे, ये छत बना देंगे, ये छत होने के बाद में सिंपली हम इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ से वर्टिकल इसको ऊपर से नीचे, इधर से भी नीचे, यहाँ से उसको ज्वाइंट, ये हो गया ज्वाइंट, फिर हमारे यहाँ पे आ गया दरवाजा, यहां पे छोटी सी विंडो करेंगे। हाँ, तो ये हो गया हमारा छोटा सा घर जिसका दरवाजा हमने बना दिया, जो भी अभी है खुला हुआ दरवाजा है। सो यूजिंग लाइन टूल यू कैन ड्रॉ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन एंड यू कैन ड्रॉ व्हाट यू वांट। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे यूजिंग इरेजर टूल। ये हो गया लाइन टूल। अब बैक टू आर पीपीटी वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू टूल। अब हम क्या करेंगे, न्यू टूल के बारे में पढ़ेंगे। न्यू टूल, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस न्यू टूल? सो न्यू टूल इज यूज्ड टू स्टार्ट न्यू ड्रॉइंग। सपोज आपने एक अच्छी सी ड्रॉइंग कर ली है, यू हैव ड्रॉन वेरी नाइस पिक्चर, एंड आपको अभी क्या करना है, यू वॉन्ट टू सेव दैट एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट न्यू डिजाइन फॉर दैट। सो दिस इज द ऑप्शन। So, how to use new tool? We will be clicking on a new tool and then वहां से क्या होगा, different different color backgrounds वहां पे appear हो जाएंगे and you can select any of them and वहां पे center में एक arrow भी होता है जिससे आप नीचे click करते हुए नीचे जाके आपको जो चाहिए वो वहां से click कर सकते हैं and you can simply click on open tool और वो open हो जाएगा। देखिए
How we are going to do that? We'll click on new tool and then many options are there. We will select anyone and click on open. So we will check it on our text paint window. So first we will clicking on new tool. जैसे भी हमने new tool पे क्लिक किया, see here different color वाले option है, यहाँ पे arrow है. We will click on that arrow and downside you can see, wow, how nicely it is given. No, कितने अच्छे अच्छे दे दिए, see. इतने सारे ऑप्शंस दे दिए जहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम ड्राइंग कर सकते हैं. जैसे कि अब हमें किसी को कार पसंद है तो वी कैन सेलेक्ट ऑन कार एंड क्लिक ऑन ओपन. सो नाउ इट इज आस्किंग, जो पहला वाला ड्राइंग था वो आपको सेव करना है, तो हमने कुछ करा ही नहीं, सब इरेज कर दिया. सो वी विल क्लिक ऑन नो एंड नाउ यू सी योर कार इज देयर एंड यूजिंग पेंट टूल आप इस पे क्या कर सकते हैं, आपके कार के ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं यूजिंग लाइन टूल. You can draw lines on your car. ये कहा कर सकते हैं आप आपके कार के ऊपर कर सकते हैं. So understood what is the use of new? So how what we will be doing? Click on new and there are number of options are there. जैसे कि ये ट्रैक्टर हो गया, we'll click on ट्रैक्टर and click on open and automatically it will open. New, then multiple options. Select any option and click on open and it will open it for you. Okay, so this was about new option. Let's go back to our PPT. This was about new option. Now eraser tool, so we have already learnt eraser tool is used to erase something that we have already drawn or the part of something. आपको पूरा के पूरा draw करना है, erase करना है, या फिर उसका छोटा सा part आपको draw erase करना है, that also we can do. And how to do that? From the tools group we will be clicking on just eraser tool and वहां से क्या हो जाएंगे, different size and shapes we will be getting, different size and shapes we'll just click on that and then what will happen, you can see here likewise we can erase it. Now save tool is used to save your drawing, means whatever the drawing you have done, that drawing will be saved. And for that a save option is there in tools group. वहां पे क्या एक सेपरेट सेव ऑप्शन दिया गया है, we will be clicking on that save tool and it will ask you to save, जहां पे भी आपका वो क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉइंग जो भी है वो आप सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद में आप उसे जब चाहे ओपन कर सकते हैं. दैट एंड वेन यू सेव अ पर्टिकुलर ड्रॉइंग, उसको वेन एवर यू वॉन्ट दैट टाइम यू कैन ओपन इट एंड यू कैन अगेन डू द चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर ड्रॉइंग. Okay, and when you click on that save option, it will ask you that आपको अगर change करने के बाद में उसमें replace करना है उसी के ऊपर, तो उसमें हम replace करते हैं, या फिर no, इसको नई file की तरह save करना है, so you can save it as a new file also. You can save your changed file as a new also, or you can replace it on existing also. So this was from textbook. So let's go back to our Tux Paint window here. Now a few options are there that are not given in your book, like eraser is there. Here we can see different size and here see, yahan pe itna bada rectangle ho gaya, ye usse bada ho gaya, ye usse thoda chota ho gaya, ye usse aur chota ho gaya. So there are different sizes available of that eraser. Apart from that we have a print option, and using that print option you can directly give a print of your drawing. Or suppose I'll click on new and I'll select from here, I'll select that car. Okay, few of you might love to paint that car, and then I'll click on fill option, and when I'll click on that fill option, you can select, I'll select here black and just print it. Select color, give it. Select color, give it. हमने क्या कर दिया हमारे कार के व्हील्स को क्या कर दिया, ब्लैक. स्टेयरिंग भी ब्लैक कर दी. सपोज समवन वांट्स दिस हेडलाइट्स टू बी रेड, ही और शी कैन गिव दैट. सो यूजिंग फिल ऑप्शन व्हिच इज नॉट गिवन इन योर बुक, यूजिंग फिल ऑप्शन यू कैन सिंपली फिल द कलर इन दैट पर्टिकुलर ड्रॉइंग. सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये पीला कलर यहाँ पे भर दिया गया है. एंड सपोज यू वॉन्ट टू एड अ मोर कलर, यू कैन एड दैट कलर on your drawing. So fill color option is used to fill the color in your picture. Then another option is the stamp option. Now if you click on that stamp option, here are some pandas are there, jo chote chote penguin ki tarah hote hai na, penguins, not pandas,
these are penguins. So you can selectly click and drop them. You can select click and drop them. ये आपके stickers की तरह है. Just you have to click over there and you have to drop it on your drawing area. Or you can increase the size of your penguins from here. यहाँ से क्या हो जाएगा, वो बड़ा वाला penguin हो जाएगा. अब यहाँ से देखो उसकी size हम बड़ा कर देंगे तो एकदम बड़ा वाला हो गया. So this is a stamp tool which is not even in your book, though I am explaining you. Okay. Then we have this magic option. Or first we'll go to text option. आपको अगर text के जरिए आपको क्या करना है, if you want to add a text, you can simply add text on your drawing. Or suppose another option is a label option. Label option is the same like your text option. Okay. But using label option, you can move your text here and there. जब हम text से text add करेंगे, when we'll click on text option and add the text, that text we cannot move. जो हम add करेंगे वो हम move नहीं कर पाएंगे. But if you will take a label option and if you want to move that label, you can move wherever you want. So we will click it here so that it will give name as class 1 car. तो ये हमारी class 1 की car होगी. And very interesting options are present, but before that we will click on new and select a new option so that I can explain. No, okay. So this is the main trick or main area where you will be getting a number of option, that is magic option. And here first you can see here first is a blind option, jahan se hum multiple lines mil sakte hai aapko. Bricks, जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ब्रिक्स बनती है ना, उस तरह की ब्रिक्स यू कैन प्रिपेयर हियर. ओके, यहां से आप आपको जिस कलर की चाहिए उस कलर की ब्रिक्स, मतलब ईंटें बना सकते हैं. देन इसमें से थोड़ी बड़ी वाली यहां से आपको जो भी लिखना है, यहां से समझो मुझे अच्छी तरह से लिखना है तो ये ब्रश मिलेगा. ओके, यहां से कार्टून कार्टून इफेक्ट वी कैन गिव. और चॉक इज आल्सो देयर, यूजिंग दैट वी कैन चॉक वाला स्ट्रक्चर मिलेगा. ये देखो, ये मल्टीपल कलर शिफ्टर इज देयर, कलर चेंजर इज देयर. ओके, यहां से यू कैन टेक नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर देयर. बट वन ऑफ माय फेवरेट इज, आई विल शो यू, लेट मी चेक. ये नीचे जाने के बाद में है, यस, रेनबो, रेनबो कलर. दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो रेनबो दैट यू कैन एड. ओके, सो ऑल दीज ऑप्शन आर प्रेजेंट इन मैजिक ऑप्शन. विच ऑप्शन? मैजिक ऑप्शन इज देयर एंड फ्रॉम दैट मैजिक ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट दिस मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन. दिस ऑप्शन आर नॉट फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट, दे आर फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड. बट दो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल वॉट आर दोज ऑप्शंस. ये लो, ये क्रीम वाला इफेक्ट हो गया जिसपे आप कितनी भी लाइनें खींच सकते हो. सो दीज ऑप्शंस आर देयर. एंड इफ यू वांट टू सेव दैट, हाउ विल वी गोइंग टू सेव? फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन एंड एक कैमरा की तरह आवाज आ जाएगी, नाउ इट इज सेव्ड. एंड हाउ टू क्लोज टक्स पेंट, विल क्लिक ऑन क्वाइट. इट विल आस्क यू, यू रियली वॉन्ट टू क्वाइट? विल से यस, आई एम डन एंड इट्स क्वाइट नाउ. So this was about the Tux Paint. I hope you have enjoyed the session. Agar kuch dikkat hai, if you have any doubt, we will be clearing that in our doubt clearing session. So till then, take care, bye bye. Read lesson, complete textbook exercise, complete workbook exercise. Jo bhi new hard words wagera jo bhi aapko lage wo likh ke likh lo. Hum, when I will be online, that time we will be discussing these things. So till then, take care, bye bye.